स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले एक विधि की थी, सब्स्टिट्यूशनल मेथड या प्रतिस्थापन विधि से दो इक्वेशन हमारे पास हैं तो उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। अब हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, जिसको विलोपन विधि भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम विलोपन विधि के बारे में जानेंगे, ये कैसे निकालनी है। उसी प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन या समीकरण दी हुई मिलेंगी। अब विलोपन विधि में क्या करना है, जो ये टर्म है या तो हम एक्स वाली टर्मों को बराबर कर लें या फिर वाई वाली टर्मों को बराबर कर लें। जैसे यहाँ पर है 3x और इसमें है 2x, तो ये बराबर कब होंगी, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 3 से, 6x हो जाएगा दोनों में, दोनों सेम करनी है। या वाई वाली हम सेम कर लें, अब वाई वाली में कितना है 4y और इसमें कितना है 2y, तो क्यों ना हम सिर्फ एक को ही मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर ये करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से करेंगे वो कंप्लीट इक्वेशन से होगी। अब प्लस क्यों किया है, जो टर्म हमने सेम की है ना उसके साइन अगर ऑपोजिट हैं तो प्लस करेंगे और सेम हैं तो माइनस करेंगे। अब दोनों ऑपोजिट हैं तो हमने क्या किया, प्लस। तो समीकरण या इक्वेशन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, यानी समीकरण 2 को 2 से गुणा करके और समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 या इक्वेशन 1 तो ये थी हमारी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब प्लस किया था, ये दोनों ऑपोजिट हैं तो कैंसिल हो गए, 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 14/7 2। तो जो भी हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको हम जो दो इक्वेशन थी दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, 1 या 2 में, तो हमने x इज इक्वल टू 2 आया है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये हमारे पास, तो यहाँ में इसमें x जहाँ भी है वहाँ 2 पुट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसमें से हमने इसको सोल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1, तो x और y दोनों की वैल्यू निकालनी थी, जो x की वैल्यू आई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आई है 1। अगर इन दोनों वैल्यू को आप चेक करना चाहते हैं तो इन इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 6 और 4 10, तो इक्वल आने चाहिए। तो इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू इस विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे इसमें प्रतिस्थापन से भी बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन हम पहले कर चुके हैं तो उस मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस एलिमिनेशन या विलोपन विधि से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसी मेथड से निकाल रहे हैं हम। इसने बोले अभी जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें हम हल करेंगे। तो अस्तित्व के बारे में हम 3.2 में बात कर चुके हैं, अभी कैसे उनका अस्तित्व हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला है अभी एक भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हमारी एक हो जाती है, नहीं भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भी भिन्न होती क्या है, भिन्न अंश बटे हर या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हमें नहीं पता भी न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, तो माना भिन्न का अंश मान लिया हमने एक्स, हर क्या मान लिया वाई, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में और इसको डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन या भिन्न कितनी होगी हमारी, एक्स बाय वाई। अब पहली जो कंडीशन या शर्त है उसमें बोले अभी अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न हमारी एक होगी, तो एक को एक बटे एक लिख दिया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई या आर पार की गुणा करी, एक्स प्लस वन को वन से सेम, इसको वन से ये भी सेम, तो इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन या समीकरण बन गई, इसको हमने वन नोट कर लिया। अब दूसरी जो शर्त है
उसमें बोला है भी हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं एज इट इज, तो भिन्न हमारी एक बटा दो हो जाएगी। तो अंश तो हमारा एक्स था, हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न कितनी होगी, एक बटा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर वाई प्लस वन। तो इक्वेशन दूसरी हमारी ये बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन। अब हमने विलोपन विधि की बात की थी, कि विलोपन विधि में क्या करना है, जो दोनों इक्वेशन में टर्म है या वेरिएबल हैं उनमें से किसी एक को सेम कर लेंगे। इसमें x है, ये 2x, तो दोनों को सेम करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। चलो दूसरे को देखते हैं, ये भी वाई मल्टीप्लाई तो नहीं करना, अब साइन दोनों के माइनस सेम है, यानी न तो मल्टीप्लाई करना है लेकिन साइन सेम है तो एक समीकरण को दूसरी में से घटाना है, सेम है तो घटाना है और ओपोजिट है तो जोड़ना है। अब इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन ये थी माइनस इक्वेशन टू ये, माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज करना, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, जो सेम की है वो कैंसिल होंगे। एक्स में से माइनस टू एक्स, तो माइनस का एक्स, माइनस टू और माइनस वन, माइनस का थ्री, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, थ्री। अब एक्स का मान उसी प्रकार समीकरण एक या दो में रख सकते हैं हम, तो हमने एक में रख लिया, तो इसमें एक्स की वैल्यू थ्री पुट की इस इक्वेशन में, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाँच। तो इसी प्रकार हमें भिन्न निकालनी थी, तो भिन्न क्या बनेगी, तीन बटे पाँच। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9, और इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हमने दो अंकों की संख्या पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक है संख्या कोई भी, जैसे 36 मान लिया अपन, तो ये क्या होता है, यूनिट प्लेस नंबर या इकाई का अंक, ये होता है टेंस प्लेस नंबर या दहाई का अंक। तो दो अंकों की संख्या कैसे बनती है, दो अंकों की संख्या के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, दहाई का अंक या टेंस प्लेस नंबर, और प्लस करते हैं हम यूनिट प्लेस या इकाई का अंक, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 6, तो 36 बन गई, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या बनाने का ये हमारा तरीका है, फॉर एग्जांपल लिया है। तो हमें नहीं पता भी यूनिट प्लेस नंबर क्या है और टेंस प्लेस नंबर क्या है, तो हमने मान लिया, माना इकाई का अंक या यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो एक्स मान ली, और दहाई का अंक मान लिया वाई। तो हमने संख्या बनाई है, संख्या क्या बनाई हमने, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं दहाई के अंक से, तो वाई था, प्लस क्या करते हैं, इकाई का अंक या यूनिट प्लेस नंबर, तो ये हमारी दो अंकों की एक संख्या बन गई, ठीक है। अब इसने बोला है भी दोनों जो अंक है ना उनका सम या योग है 9, तो दो अंक कौन कौन से थे, एक्स और वाई, दोनों का योग कितना हो गया 9, तो इक्वेशन 1 बन गई। अब जो कंडीशन लगाई है भी जो संख्या हमने पहले बनाई थी अगर इसके अंकों को पलट दें, अंक यानी कि जहाँ इकाई का है वह दहाई का हो जाएगा और दहाई का इकाई का, जैसे ये 36 है तो इसको पलट देंगे तो 63 हो जाएगा, इसी प्रकार करना है। तो हम अंक पलटने पर संख्या क्या बनाएंगे, जहाँ एक्स है वहाँ वाई और वाई की जगह एक्स, तो ये संख्या पलट गई। अब जो कंडीशन लगाई उसने बोला है भी जो पहले संख्या बनी थी ना उसका 9 गुणा और जो संख्या पलट के बनी है उसके 2 गुणे के बराबर है। तो पहले संख्या बनाई थी हमने ये, इसका 9 गुणा, पलट के बनाई उसके 2 गुणे के बराबर है, तो बराबर रख दिया। इसको हमने सोल्व कर लिया, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, तो ये हमने कंप्लीट को इसको सोल्व किया है। तो ये लास्ट में हमारे पास है, इसको माइनस 11 इसमें कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 ये थी और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को अब हम
विलोपन या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमारी दो अंकों की या टू डिजिट का एक नंबर बनेगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। अब इसमें दिया है भी एक लाइब्रेरी है, उसमें किराए पर पुस्तकें रखने के लिए पहले 3 दिनों का एक नियत किराया है और अतिरिक्त किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो हमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकालना है। नियत का मतलब फिक्स चार्ज और अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज। तो हमें नहीं पता भी नियत और अतिरिक्त कितना है, तो नियत किराया मान लिया एक्स रुपये और अतिरिक्त किराया मान लिया वाई रुपये। तो पहले बोला है उसने भी 3 दिनों के लिए नियत किराया फिक्स है, तो उसने पहले 7 दिनों तक रखी तो 27 रुपये दिए। तो अब देखिए 7 दिनों के लिए 3 दिन तो ये फिक्स चार्ज हो ही गया, तो बाकी कितने बच गए 4। तो 4 दिनों का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया 4y। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, एक्स प्लस 4y बराबर 27। अब जो सुश्री है उसने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए, तो 3 दिनों का अतिरिक्त किराया तो ये हो गया, और 2 दिनों का 3 और 2 5 दिन हो गए टोटल। तो एक्स प्लस 2y बराबर 21। तो ये दोनों वेरिएबल बराबर हैं, तो इक्वेशन 1 -2, क्योंकि दोनों के साइन भी सेम है तो माइनस करते हैं, कैंसिल। 2y बराबर 6, तो y इज इक्वल टू 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दिया, x प्लस 4 × 3 इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू 15। तो नियत किराया कितना आया हमारा 15 रुपये और अतिरिक्त किराया पर प्रतिदिन का 3 रुपये। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो 3.4 हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो भी आप निकाल सकते हो, प्रतिस्थापन विधि भी आप इन क्वेश्चन के अंदर लगा सकते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।